अब बताएं पिछला टॉपिक पढ़ के आए थे आप लोग? हम लोग का इंटरवेंशन था उसमें साथ में शुडुमनास था, शुडुमनास आर्जिन सर, और उसने हमने चार भी क्वेश्चन कवर किए थे। चार था जी, तीन थे। कौन कौन से थे? बेटा पढ़ते क्यों नहीं है आपके? छह दिन बाद आपके मिट्स आ रहे हैं, आप पढ़ते नहीं है? अच्छा मेजर दिल से नहीं पढ़ रहा? अच्छा पिछले पढ़ने लग गया भैया, पिछला सुनने लगा था। आप मुझे बताएं क्लॉस्ट्रिडियम प्रेफरेंसेस के बारे में, क्या बताए आपको क्लॉस्ट्रिडियम प्रेफरेंसेस के बारे में? फिर ऊपर लेक्चर देंगे उसके बारे में, जो बता दें। Easiest question ever. आप बता दें, आप उन्हें बता दें, मुझे बता दें। सर मैंने भी कल पढ़ी बेस्ट क्लास को जो नियम मिसाइल कल है राम पॉजिटिव कर। अच्छा तो ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में सुनाइए। अच्छा बेटा सबको साइड से आ रही है? यस सर चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम कवर करेंगे माइक्रोबैक्टीरियल की जॉनरा। देखो सबको नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, माइक्रोबैक्टीरियम में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट स्पीशीज आती हैं। एक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एक है लेफ्रिक। हाँ बैठे, एक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एक है माइक्रोबैक्टीरियम लेफ्रिक। जो हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो टीबी को आ सकता है, और जो हमारे पास लेफ्रिक है वो लेप्रोसी को आ सकेगा। पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है माइक्रोबैक्टीरियम, अच्छा एक चीज है जो इन दोनों की कॉमन है वो ये है कि दोनों हमारे पास एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने पढ़े थे कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव इसलिए थे कि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा हो तो वो ग्राम से ज्यादा रिटेन करते हैं एंड वी कॉल देम ग्राम पॉजिटिव, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम हो तो ग्राम से कम रिटेन करते हैं एंड वी कॉल देम ग्राम नेगेटिव। लेकिन इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता ही नहीं है एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट स्टेन विद ग्राम से। इनकी सेल वॉल में हमारे पास लिपिड कॉन्टेंट हाई होता है और पर्टिकुलरली माइकोलिक एसिड हाई होता है। लिपिड कॉन्टेंट और माइकोलिक एसिड हाई होता है। व्हाट इज माइकोलिक एसिड? माइकोलिक एसिड बेसिकली एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड पढ़ेगा ना बायोकेमिस्ट्री में? ठीक है, तो माइकोलिक एसिड बेसिकली फैटी एसिड है और इनकी सेल वॉल में लिपिड कॉन्टेंट हाई होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज दिस ऑर्गेनिजम्स यू हैव टू यूज अ स्पेशल स्टेन एंड दैट स्टेन इज कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेन और कार्बोल फ्यूस्टोल स्टेन। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन भी आप उसे कह सकते हैं, कार्बोल फ्यूस्टोल स्टेन भी आप कह सकते हैं।
पूरी माइक्रो में आज सिर्फ दो जॉनरास पढ़ेंगे जो कि एसिड फास्ट पॉजिटिव है। एक हमारे पास है माइक्रोबैक्टीरियम और दूसरी हमारे पास है नोकार्डिया। आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा सवाल है, पूरी माइक्रो में सिर्फ दो ही जॉनरास हैं जो कि एसिड फास्ट पॉजिटिव हैं, एक माइक्रोबैक्टीरियम है और एक नोकार्डिया। एसिड फास्ट आपको समझ आ गया बच्चों? दूसरी बात आपको करते हैं, अब हम करेंगे सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की बात, ये दोनों के लिए कॉमन था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब है, ये हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म यूज नहीं करता, इट इज एन ऑब्लिगेट एरोब, ठीक है। अगर इनकी बात करें हम विरुलेंट स्ट्रक्चर्स की माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, टीबी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, अगर इनकी बात करें हम विरुलेंट स्ट्रक्चर्स की, एक हमारे पास आ गया माइकोलिक एसिड। अब देखेंगे कि माइकोलिक एसिड का क्या फंक्शन होता है। जब माइकोलिक एसिड को आप एक शुगर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है माइकोसाइड। माइकोलिक एसिड प्लस अ शुगर, दैट इज कॉल्ड माइकोसाइड। अब जितने भी इसके विरुलेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी बेसिकली माइक्रोसाइड ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास कॉड फैक्टर है, कॉड फैक्टर क्या होता है बेटा? कॉड फैक्टर होता है कि हमारे पास एक माइकोलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक डाइसैकेराइड से अटैच होते हैं। ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, उसमें ग्लूकोज भी होता है और फैक्टर्स भी होता है। आपको सर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कॉड फैक्टर क्या है? कॉड फैक्टर हमारे पास दो माइकोलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइसैकेराइड। इसे हम कहते हैं कॉड फैक्टर। कॉड फैक्टर का फंक्शन क्या है बेटा? कॉड फैक्टर हमारे पास तीन काम करता है। एक तो ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन को इनहिबिट करते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम है वो है ये टीएनएफ अल्फा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। टीएनएफ अल्फा की प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी तो उससे हमारे पास रैपिड वेट लॉस होगा। तो आप जो भी टीबी के साइन और सिम्टम्स सुनते हैं कि फीवर होता है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेट, कफ, स्प्यूटम और हेमोप्टेसिस, तो उसमें जो वेट लॉस हो रहा होता है वो टीएनएफ अल्फा की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है कॉड फैक्टर के। कॉड फैक्टर किसका रिप्लेस फैक्टर है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। बेसिकली क्या है? दो माइकोलिक एसिड के मॉलिक्यूल प्लस वन डाइसैकेराइड, दिस इज कॉल्ड कॉड फैक्टर। अब हम बात करते हैं दूसरे इसके फैक्टर की, वो है हमारे पास सल्फाटाइड। सल्फाटाइड बेसिकली क्या है? सल्फाटाइड हमारे पास बेसिकली माइकोलिक एसिड है प्लस डाइसैकेराइड है, ठीक है, प्लस सल्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं टू, वन ऑन ईच एंड, ठीक है। माइकोलिक एसिड प्लस डाइसैकेराइड प्लस टू सल्फेट मॉलिक्यूल्स, वन इज प्रेजेंट ऑन ईच एंड, इन्हें कहते हैं सल्फाटाइड्स। सल्फाटाइड्स का काम हमारे पास क्या है? जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लाइक मटीरियल है जो सेल के अंदर एंटर होता है बाहर से, तो आपको पता है कि वो एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्टोम, और एंडोसोम फिर आगे जाके फ्यूज करता है लाइसोसोम के साथ और बन जाता है फेगोलाइसोसोम, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स फेगोसोम के अंदर प्रेजेंट कंटेंट को डैमेज करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया सेल्स के अंदर एंटर होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले एंडोसोम बनेगा, फिर फेगोसोम बनेगा,
फिर फेगोसोम ने फ्यूज होना है लाइसोसोम के साथ ताकि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो इस बैक्टीरिया को किल कर सके। सो फार विद मी। लेकिन जो हमारे पास सल्फाटाइड्स है इसका बेसिक फंक्शन यह है कि इसमें फेगोसोम और लाइसोसोम को फ्यूज ही नहीं होने देना। अगर फेगोसोम लाइसोसोम आपस में फ्यूज ही नहीं होंगे तो बैक्टीरिया सेल के अंदर इजीली सर्वाइव करेगा। ठीक है, आपको समझ आई इस पॉइंट की? बेटा आपको समझ आई? तो सल्फाटाइड्स का हमारे पास फंक्शन क्या है? दे इनहिबिट द फ्यूजन of phagosome and lysosome. Core factor है sulfatide है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास important virulence factor है वो है हमारे पास VAX-D। बेटा VAX-D हमारे पास एक complex है virulence factor, मतलब इनका तो structure relatively simple था। दो mycolic acid है, एक disaccharide है, दो mycolic acid है, एक disaccharide है, दो हमारे पास सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं। ये हमारे पास रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसको हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको ना ही जानने की जरूरत है। और इसका जो फंक्शन है ना वो इतना प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। बस ये समझा जाता है कि जब हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर रहे होते हैं तो उसमें VAX-D एक इम्पोर्टेंट एंटीजन के रोल इम्पोर्टेंट एंटीजन का रोल प्ले करता है। इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज हाउ वी अटैक दिस बैक्टीरिया। लेकिन इतना प्रॉपरली अंडरस्टूड रोल नहीं है VAX-D का। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लिपिड, दैट इज ऑल वी नीड टू नो, एंड वन ऑफ द विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ टीबी। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई? ऑनलाइन बच्चों को? यस सर। आगे चलते हैं हमारे पास आगे की अब टीवी की प्रेजेंटेशन कैसी होगी। जी बेटा, कॉम्प्लिकेटेड लिपिड। आगे चलते हैं हमारे पास आ गया है अब टीवी की प्रेजेंटेशन क्या होगी। बेटा स्लाइड से ही पढ़ लेते हैं पहले, एक दफा ऐसे कवर कर ले या फिर मैं साथ साथ स्लाइडें पढ़ता रहूं, ऐसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास टीवी की दो टाइप्स हैं। जी बेटा, टीवी के प्रेजेंटेशन की भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है प्राइमरी टीवी और एक होती है सेकेंडरी टीवी। पहले बात करेंगे प्राइमरी टीवी क्या होती है। प्राइमरी टीवी में क्या होता है कि आपको पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ट्रांसमिशन कैसे होगी, बैक्टीरिया की इनहेलेशन के थ्रू। ठीक है, जब इनहेलेशन होगी तो बैक्टीरिया जाएगा लंग्स में। लंग्स में जब बैक्टीरिया जब हम होते हैं प्राइमरी टीवी में तो बैक्टीरिया मोस्ट इफेक्ट करता है मिडिल या फिर लोअर लोब्स को। लंग्स के तीन लोब्स होते हैं अपर, मिडिल और लोअर। राइट साइड पे तीन होते हैं, लेफ्ट साइड पे दो होते हैं अपर और लोअर। ठीक है, और टीवी जो हमारे पास है वो मिडिल या फिर लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है प्राइमरी टीवी में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिएक्टिवेशनल टीबी यहाँ पे सेकेंडरी टीबी है उसमें जो बैक्टीरिया है वो अपर लोब को अफेक्ट करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर मिडिल या फिर लोअर लोब में है इट इज प्राइमरी टीबी। बैक्टीरिया हमारे पास इनहेलेशन के थ्रू एंटर होगा, मिडिल और लोअर लोब में जाएगा। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया हमारे पास जाता है एल्वियोलाई तक पहुँचता है तो वहाँ पर फिर आपकी बॉडी प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं और हमारे पास कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, उस ग्रेनुलोमा में हमारे पास मैक्रोफेजेस भी होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स भी होंगे, साथ में कोलेजन डिपॉजिट्स भी होंगे, फाइब्रोब्लास्ट भी होंगे। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रेनुलोमा। तो वहाँ पर हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपरली माउंट होगा अगेंस्ट द बैक्टीरिया और हमारे पास एक ग्रेनुलोमा बन जाएगा और उस ग्रेनुलोमा में हमारे पास सेंट्रल नेक्रोसिस होगा, इसलिए उसे कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा कहते हैं। और अगर हमारे पास सेंट्रल नेक्रोसिस ना हो उसे हम कहते हैं नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा। नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा डिफरेंट जगहों पर रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बल्कि हम मेरा नहीं ख्याल माइक्रो में पढ़ेंगे, वो आप जाके आगे पैथो में पढ़ेंगे। लेकिन टीवी में हमारे पास बनेगा कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा। जब बैक्टीरिया एल्वियोलाई में एंटर होगा वहाँ पर एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होगा, उस इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होंगे
वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं TH1 सबसेट में, जो TH1 सबसेट है वो भी प्रोड्यूस करता है IL2, IL12 एंड इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इनकी वजह से हमारे पास कोई प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स फाउंड होता है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन का डिपॉजिट होगा। इस सब को हम कहते हैं ग्रैंड्युलोमा। इस ग्रैंड्युलोमा के सेंटर में हमारे पास बैक्टीरियाज होंगे और इस ग्रैंड्युलोमा का बेसिकली काम यह है कि इसमें इंफेक्शन को वॉल ऑफ करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर टिश्यूज ऑफ योर लंग्स, वॉल ऑफ द इंफेक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ आई सबको? सबसे पहले बैक्टीरिया लंग्स में एंटर होगा, ठीक है, लंग्स में फिर जाके वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। और बेसिकली होता है इस तरह से कि सबसे पहले जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल जाके बैक्टीरिया को इंकाउंटर करते हैं, उसका एंटीजन लेते हैं, फिर वो वापस आते हैं लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में जाके CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं वाया MHC class 2। लेकिन ये बड़ा ना कॉम्प्लेक्स रहता है, आप इतनी डिटेल से ना पढ़ें, आप बस ये याद रखें कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से CD4 positive हेल्पर टी सेल्स एक्टिव होंगे, वो आगे कन्वर्ट हो जाएंगे TH1 सबसेट में। TH1 सबसेट जो हमारे पास प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस वो है IL2, 12 और इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा बेसिकली मैक्रोफेजेस को अटैक करता है, जो IL2 है वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव इन्फोर्सर, मतलब कि हमारे पास अगर न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो मजीद न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करता जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास IL12 है उसका भी हमारे पास फंक्शन है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों को एक्टिवेट करना। जब हमारे पास न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे, दे विल रीच द साइट ऑफ इंफेक्शन, फॉर एग्जांपल मिडल या फिर लोअर लोब में, वहां पर जाकर फिर मैक्रोफेजेस, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन डिपॉजिट्स, बैक्टीरिया के ये फर्स्ट करें, ये हमारे पास बैक्टीरिया पड़ा हुआ है मिडल लोब में, ठीक है। ये सारे इसकी सराउंडिंग में जाकर ऐसे बना देंगे ग्रैंड्युलोमा। सिंस दिस इज एन इन्फेक्शन, तो इसमें जो हमारे पास ग्रैंड्युलोमा के मिडल में होगा वो KCl18 नेक्रोसिस होगा, इसलिए हम इसे KCS ग्रैंड्युलोमा कहते हैं। और इसका बेसिकली काम क्या है, इसने इन्फेक्शन को वॉल ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ये ग्रैंड्युलोमा है और ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द टिश्यू है, तो यहाँ भी आपने इन्फेक्शन को कंटेन कर लिया, आप उसे फर्दर स्प्रेड नहीं होने देंगे, इसे हम कहते हैं प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी में अक्सर हमारे पास क्या होता है कि जो ये जो बनता है ना ग्रैंड्युलोमा, ये कैल्सिफाई हो जाता है, कैल्सिफिकेशन होती है इसकी, तो जब हमारे पास इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है उसे हम कहते हैं गॉन फोकस। तो गॉन फोकस क्या है हमारे पास, गॉन फोकस या फिर गॉन कॉम्प्लेक्स, वो क्या है, कैल्सिफाइड ग्रैंड्युलोमा, कैल्सिफाइड ग्रैंड्युलोमा इज कॉल्ड गॉन फोकस। बच्चों समझ आ रही है या ऊपर से गुजर है? कैल्सिफाइड ग्रैंड्युलोमा को हम कहते हैं गॉन फोकस, ठीक है। और टीबी में अक्सर ऐसे होता है कि जो आपके जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, उनकी भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। उनकी क्यों कैल्सिफिकेशन होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एंटीजन लेते हैं, CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ पर जाकर प्रेजेंट करते हैं, वो आपके हाइलर या फिर मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स में जाकर प्रेजेंट करते हैं, और ये सेल्स वहाँ से आते हैं फिर लिम्फ नोड से, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपके जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइलर या फिर मीडियास्टाइनल एंड समटाइम्स बोथ, उनकी भी साथ में कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जब उनकी भी साथ कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड प्लस गॉन फोकस विच इज अ कैल्सिफाइड ग्रैंड्युलोमा, इन दोनों की जब कैल्सिफिकेशन होगी तो इनको हम कहते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, ये भी लिखा मैंने रैंकी कॉम्प्लेक्स,
RANKE, हाँ रैंकी कॉम्प्लेक्स। रैंकी कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा प्लस कैल्सिफाइड रीजनल लिम्फ नोड, क्योंकि मोस्टली मेरिस्टाइनल या फिर हाइलर लिम्फ नोड्स होंगे। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कैल्सिफिकेशन, ये तो चलिए हमें समझ आ गई कि सारी पैथोजेनेसिस है टीबी की। व्हाई आर यू स्टडिंग दिस? क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी टीबी में पेशेंट मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब आप पेशेंट का एक्सरे करते हैं चेस्ट एक्सरे, उसमें आपको पेशेंट के मिडिल या फिर लोअर लोमे कैल्सिफिकेशन मिलती है और साथ में आपको पेशेंट के रीजनल लिम्फ नोड्स में कैल्सिफिकेशन मिलती है। तो इस तरह से आप प्राइमरी टीबी को डायग्नोज करते हैं। प्राइमरी टीबी के मोस्टली केसेस हमेशा एसिम्प्टोमेटिक होंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक कब होते हैं? प्राइमरी टीबी में भी सिम्टोमेटिक केसेस आ सकते हैं। वो कब होते हैं? जब हमारे पास बच्चों में इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर एल्डरली में इन्फेक्शन हो, या फिर वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज है, फॉर एग्जाम्पल एच आई वी है, ड्रग एब्यूजर्स हैं, ठीक है, उन लोगों में प्राइमरी टीबी में सिम्टम्स आ सकते हैं। वैसे रेस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में प्राइमरी टीबी मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इस तरह से जाके इन्फेक्शन को वॉल ऑफ कर देता है। समझ आई सबको यहाँ तक? तो प्राइमरी टीबी मोस्टली हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होगी, ठीक है। कुछ रेयर केसेस में जिस तरह से बच्चों में या फिर एल्डरली में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, उनका इम्यून सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता, या फिर वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज है, उनमें फिर हमारे पास प्राइमरी टीबी के सिम्टम्स आ सकते हैं। समझ आई सबको? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टीबी की या फिर रीएक्टिवेशनल टीबी की। सर लेकिन अगर प्राइमरी टीबी एसिम्प्टोमेटिक है तो अगर किसी को हो जाती है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं बेटा, उनको एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है कि कोई भी सिम्टम नहीं होगा, तो इसका मतलब है इम्यून सिस्टम खुद ही फाइट कर लेगा और बंदा रिकवर कर जाएगा। नहीं बेटा, रिकवर नहीं करेगा। मैं वही आगे डिस्कस करता हूं सेकेंडरी टीबी में कि क्या होता है। Just give me a moment. Secondary TB या फिर reactivational TB क्या है? This is reactivational, मेरी लड़की थोड़ी गंदी है, sorry. Secondary TB या फिर reactivational TB में हमारे पास ये होता है कि जब आपके primary TB में middle या फिर lower low में granuloma बन गया है ना बेटा, तो उस granuloma के middle में हमारे पास bacteria हमेशा viable रहते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है। आपने सिर्फ उस इन्फेक्शन को कंटेन किया है, इरेडिकेट नहीं किया, तो बैक्टीरिया उस ग्रेनुलोमा में वायबल रहते हैं। अब फर्स्ट के लिए किसी पेशेंट को किसी की वजह से उसकी कोई सर्जरी हुई है, सो इम्यून सिस्टम उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, या फिर उसको एच आई वी की इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दी हैं, सो मुस्लिम साइल हो सकते हैं, या फिर वैसे वो बूढ़ा हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप बूढ़े होते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं रह पाता, तो तब क्या होगा, फिर वो ग्रेनुलोमा से बैक्टीरिया रिलीज होंगे और पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जब उस ग्रेनुलोमा से बैक्टीरिया रिलीज होंगे तब वो कॉज करेंगे रिएक्टिवेशनल टीबी या फिर सेकेंडरी टीबी। रिएक्टिवेशनल टीबी का हमारे पास हॉलमार्क फीचर ये है कि उसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया रिलीज होते हैं ना, वो फिर जाके लंग्स के अपर लोब में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहाँ पे कैविटेशन कॉज करते हैं, या फिर लंग की एब्सेस भी कॉज कर सकते हैं, मोस्टली कैविटेशन कॉज करते हैं और वो आपको एक्सरे पे नजर आ जाती है। सो रिएक्टिवेशनल टीबी में हमारे पास लंग के अपर लोब में इंफेक्शन होगी और वहां पर आपको चेस्ट एक्सरे में कैविटेशन नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी टीबी को अगर आप यहाँ पर ट्रीट करना शुरू कर दें तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट सीख नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा, रात को पसीना आ जाता है, नाइट स्वेट सिंड्रोम कहते हैं, कफ आ जाएगी कभी कभी, खून में सॉरी खांसी में थोड़ा सा खून आ जाएगा, जिसे हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। तो लोग अक्सर जो स्पेशली होते हैं लोअर इनकम फैमिलीज में, वो इतना ख्याल नहीं करते, और फिर वहाँ पर ऐसा होता है कि वो आप वहाँ से कोई टीबी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकती है। अब टीबी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी के हर हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, आपकी स्किन को, ब्रेन को, मेनिंजेस को, वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड को, हार्ट को, लंग्स को, जीआई ट्रैक को, हर चीज को अफेक्ट कर सकता है।
टीबी मेनिनजाइटिस को रेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हार्ट में जाके पेरिकार्डियाइटिस कॉज करे या फाइब्रोसिस कॉज करे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। और टीबी की वजह से जो इंटेस्टाइन में अगर एब्सेस बन जाए तो उसे तो फिर लाइक ट्रीट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, आपको सर्जरीज करनी पड़ती है मल्टीपल। तो जैक्टिवेशनल टीबी को आपने इतना इजीली नहीं लेना होता, आपने जो स्टार्ट में ही जब आपको अपर लोब में कैविटेशन मिले, आपको पेशेंट मिले जिसकी पास्ट हिस्ट्री है टीबी से एक्सपोजर की, तो आप उसको ट्रीट करना शुरू कर देना है, अदरवाइज इट कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ तक बेटा सबको समझ आ गई? ऑनलाइन बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा भाई, लाइक आपको जो तीन चीजें थी वो क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। क्या आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? पहले डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पीपीडी स्क्रीन टेस्ट। पीपीडी स्टैंड फॉर प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी स्किन टेस्ट में ये होता है कि आप बैक्टीरिया का जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और उस प्रोटीन को आप ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं जस्ट अंडर द डर्मिस, ठीक है, सब डर्मल इंजेक्शन देते हैं प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर पेशेंट में टीबी के इंजेक्शन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। अगर आपका उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो उसमें कौन से सेल होते हैं? CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स होते हैं, और CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स जब आप देखेंगे कि आपकी स्किन में उसी बैक्टीरिया का एंटीजन आया है तो वो वहाँ भी जाके इसको अटैक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के जो होता है ना अटैक इस एंटीजन को हम कहते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, और इसलिए हम इसे ग्लेड कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं है। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो हमेशा इमीडिएट होता है, इसमें आपको एक हफ्ते तक लग सकता है रिएक्शन आने में, इसलिए हम इसे कहते हैं डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। तो जब आप प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को सब डर्मली इंजेक्ट करेंगे तो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे अटैक करना शुरू कर देंगे। जब वो उसको अटैक करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन में लोकली स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी और रेडनेस प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास स्वेलिंग या फिर रेडनेस प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस कि आपका जो पीपीडी स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव है। पीपीडी क्या था आप बताएं? कहां से है? हाँ मैं समझ आ गया कि आपको काम कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी, नंबर वन है। तो जहाँ पर आप बैक्टीरिया का एंटीजन इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल अपना रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ लग सकते हैं, इसलिए हम इसे डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। डिलेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, हम इसे डिलेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास लोकल स्वेलिंग या फिर रेडनेस प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास लोकल स्वेलिंग या फिर रेडनेस प्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स कि पेशेंट को टीबी है। अगर स्वेलिंग या रेडनेस प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को टीबी नहीं है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो टीबी है, अगर टेस्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे टीबी नहीं है, मतलब आप टीबी को मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि पीपीडी हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट हम यही इसीलिए करते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, इसकी स्पेसिफिसिटी इतनी हाई नहीं होती, तो
अगर इसकी सेंसिटिविटी हाई है मतलब ये ट्रू पॉजिटिव को इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। आपको मैं इतना कंफ्यूज नहीं करता, बस आप भी याद रखें कि अगर टीपीडी पॉजिटिव है पेशेंट को टीबी है, अगर टीपीडी नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि पेशेंट को टीबी नहीं है, आप उसे मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। की वजह क्या है, क्योंकि जो पीपीडी स्किन टेस्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो आपको पॉजिटिव आ सकता है नहीं आ सकता, मतलब कि पेशेंट को टीबी है लेकिन आपके पास सेल्स ही नहीं है जिसने आपको टेस्ट पॉजिटिव देना है या फिर जिसने उस इन्फेक्शन को कंटेन करना है। तो इन्फेक्शन तो लाइक बहुत तेजी से फैल रहा है टीबी का, लेकिन आपके पास डायग्नोसिस के लिए वो सेल्स ही नहीं है, तो आपका पीपीडी नेगेटिव आएगा, किसी क्या कहेंगे फॉल्स नेगेटिव, इन्फेक्शन है लेकिन टेस्ट नेगेटिव, किसी कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास किसी वजह से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है किसी भी वजह से या फिर एनर्जी के स्टेट है। नेगेटिव का मतलब आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स का मतलब इट इज रॉन्ग, ठीक है। अब हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कब आएगा, ट्रू पॉजिटिव अब हम चार स्टेज डिस्कस करेंगे, ये तो वैसे मुझे एंड भी करना चाहिए था, आप वैसे कंफ्यूज होंगे लेकिन चलें। ट्रू पॉजिटिव कब आएगा हमारे पास, प्राइमरी टीबी में, सेकेंडरी टीबी में, लेटेंट टीबी में, सिम्प्टोमेटिक टीबी में, उसमें पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि प्राइमरी में क्या हो रहा है आपके इम्यून सिस्टम ने टीबी को ओवरकम कर लिया और उसने गॉन फोकस और रैंकी कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो प्राइमरी में पॉजिटिव आएगा। ट्रू पॉजिटिव मतलब पेशेंट को टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है और इन्फेक्शन भी है, तो प्राइमरी टीबी में आएगा पॉजिटिव, सेकेंडरी टीबी में पॉजिटिव आएगा, लेटेंट टीबी में मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है हम कहते हैं लेटेंट टीबी, उससे पॉजिटिव आएगा। और सेकेंडरी का मतलब ये कि सिम्प्टोमेटिक, तो जब सिम्प्टोमेटिक है तब ही आपका टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा, ट्रू पॉजिटिव। आपका ट्रू नेगेटिव कब आएगा, अब आपने क्वेश्चन पे गौर करना है ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्फेक्शन भी नहीं होगा, टेस्ट भी नेगेटिव है, हाँ तो ट्रू नेगेटिव कब आया, जब इन्फेक्शन नहीं है सैंपल, ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है, नो इन्फेक्शन। फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा, इसका मतलब है कि हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बंदे को फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, मतलब उसे इन्फेक्शन नहीं है लेकिन टेस्ट थ्री पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कब आएगा, इसका मतलब उसे सिटी फोर सेल्स हैं क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ CD4 पॉजिटिव के ऊपर डिपेंडेंट है ना टेस्ट, तो अगर वो प्रेजेंट है तो टेस्ट तो पॉजिटिव आना है, सेकेंडरी में भी नहीं, ये आपका तब पॉजिटिव आएगा जब आप पेशेंट की वैक्सीनेशन करते हैं, टीबी के अगेंस्ट हम BCG से वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, BCG वैक्सीनेशन है टीबी के अगेंस्ट, तो जब आप BCG से वैक्सीनेशन करेंगे तो आपने इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया होगा पेशेंट की, तो इस बंदे में जब भी टीबी की इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है इसकी वजह से, तो वो फिर जाके टीबी के बैक्टीरिया को पहले ही कंटेन कर लेगा, समझ आई, तो जब आप BCG वैक्सीनेशन करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है, सीडी4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल ऑलरेडी एक्टिव है, तो जैसे ही आप पीपीडी स्किन टेस्ट के लिए एंटीजन देंगे टेस्ट पॉजिटिव आएगा लेकिन पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है, हमेशा फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कब आना है, When your immune system is short, कुछ भी नहीं किया आपका immune system active नहीं है, CD4 positive helper T cells नहीं है, ठीक है, energy की state है, तब आपका false negative आएगा, तब कुछ समझ आएगी इन चीजों की, false negative का मतलब क्या, negative का मतलब क्या है, test negative है but it's a false negative, मतलब infection है लेकिन test negative है, अब test क्यों negative है, क्योंकि test dependent है CD4 positive helper T cells के ऊपर, ठीक है, जब CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल नहीं है एनर्जी की स्टेट में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की स्टेट में, तो फिर आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सो इट्स अ फॉल्स नेगेटिव। इस तरह से हम पीपीडी को इंटरप्रेट करते हैं, बाकी पीपीडी में ना
हाँ सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव वैक्सीनेशन के अंदर आएगा, उसके अलावा कभी नहीं आएगा। अब हमारे पास ये चार डिफरेंट केसेस है, यहाँ तक तो ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव तक तो ठीक है, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं जनरल पॉपुलेशन के लिए जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग होता है। इसलिए हम जो लिखते हैं पैरामीटर वो मोस्टली होता है कि आपकी जो स्वेलिंग होनी चाहिए ना वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब आप आते हैं इसमें, इसमें अगर आप इसमें फिर हम यूज करते हैं आई थिंक 5 मिलीमीटर से ज़्यादा स्वेलिंग हो तो आप उसे भी पॉजिटिव टेस्ट कंसिडर करते हैं, और इसमें आई थिंक 10 था। अब तो जी वो चीज़ें आपको आपको बेटा वो चीज़ें ना ये याद देने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं एज अ मार्कर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट। स्वेलिंग कुछ में हम लेते हैं 15 मिलीमीटर, जो कि बिल्कुल हेल्दी लोग होते हैं जिनका जिनका लाइक इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग है, उनमें हम लेते हैं वो पैरामीटर 15 मिलीमीटर कि 15 मिलीमीटर से ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन आना चाहिए, स्वेलिंग होनी चाहिए, रेडनेस होनी चाहिए, फिर आप पीपीडी को पॉजिटिव टेस्ट में सिलेक्ट करेंगे अनलेस जैसे आप नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम कुछ में यूज़ करते हैं 10 मिलीमीटर, वो डिपेंड करता है कि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है नहीं है, उनको मॉर्बिड कंडीशंस कौन सी हैं, और इसी तरह से जिनका इम्यून सिस्टम टोटली कॉम्प्रोमाइज होता है उनमें हम यूज़ करते हैं 5 मिलीमीटर। अगर उन्हें 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आ गया तो वी विल टेक दैट एज अ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। और जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब इसकी सेंसिटिविटी हाई है, स्पेसिफिसिटी लो है। सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब कि अगर तो ये पॉजिटिव आता है तो बंदे को इन्फेक्शन है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो आप कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं कह सकते कि उसे इन्फेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी सेंसिटिविटी हाई है और स्पेसिफिसिटी लो है। परफेक्ट पढ़ी है आप लोगों ने, पढ़ी है ना, फिर तो आपको चीज़ें पता होंगी जो कि मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग इतने कन्फ्यूज भी लग रहे होंगे, तो हम बात करते थे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हमने सबसे पहले बात की पीपीडी स्किन टेस्ट की, ठीक है। उसके बाद हम और टेस्ट कौन से करेंगे, पीपीडी के बाद हम करते हैं चेस्ट एक्सरे। हॉस्पिटल में ऐसे एक साल लेते हैं, इसके चेस्ट एक्सरे आप करेंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे में क्या आएगा, अगर आप प्राइमरी टीबी है तो आपको गॉन फोकस और रैंकी कॉम्प्लेक्स आएगा। गॉन फोकस क्या है कि मिडिल या फिर लोअर लोब में कैल्सिफाइड ग्रेन्युलोमा होगा, और रैंकी कॉम्प्लेक्स क्या था हमारे पास, कैल्सिफाइड ग्रेन्युलोमा प्लस कैल्सिफाइड रीजनल लिम्फ नोड, इसे कहते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स। तो चेस्ट एक्सरे पे आप प्राइमरी टीबी को डायग्नोज कर सकते हैं वाया गॉन फोकस और रैंकी कॉम्प्लेक्स, और अगर सेकेंडरी टीबी या फिर रेस्पिरेशनल टीबी है तो उसमें अपर लोब में कैविटेशन होंगी, ठीक है। तो इस तरह से चेस्ट एक्सरे आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास गोल्ड जो स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रही है, स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रही है बेटा, आपको पता है ना कि लाइक टीबी में सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, काफी स्प्यूटम, काफी हेमोफिसिस, ये सब चीजें हैं ना उसमें। तो जो हमारे पास स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रही है ना, उसका आप एसिड फास्ट चेंज कर सकते हैं। एसिड फास्ट चेंज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या था और कौन से दो जॉनरास में होता है, बताएगा कोई? हाँ, दूसरा दूसरा था नोकार्डिया। तो स्प्यूटम प्रोडक्शन का आप एसिड फास्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है। स्प्यूटम का एसिड फास्ट स्ट्रेन हमारे पास सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है। आप मेयो में चली जाए यही होता है, ठीक है। पीपीडी उसमें आपको पता है रिएक्शन आने में 1 हफ्ता लग सकता है, 1 हफ्ते तक टाइम लग सकता है, चेस्ट एक्सरे इतना स्पेसिफिक नहीं होगा। तो जो स्प्यूटम का हम करते हैं एसिड फास्ट स्टेन, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा आप स्प्यूटम से बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया आइसोलेशन, और फिर आप एक कल्चर कर सकते हैं एलजे मीडियम पे, यहाँ पे लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम सेम चीज़ है, आप जैसे मर्जी बोल रहे एलजे मीडियम, यहाँ पे लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम, आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को स्प्यूटम से आइसोलेट करके इसके ऊपर इस मीडियम के ऊपर कल्चर कर सकते हैं।
एलजे मीडियम और लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम, तो आप उस पर कल्चर कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे पास काफ़ी स्लो है कल्चर ग्रो करने में, आपको लाइक 2 से 3 हफ्ते लग जाते होते हैं एटलीस्ट। और उसके अलावा आप कर सकते हैं क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट। क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट हम बेसिकली इंटरफेरॉन गैमा को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। फर्स्ट करने एक पेशेंट ने बीसीजी की वैक्सीनेशन करवा दी है, और अब उसका ये हुआ कि उसका ना उसका एक्सपोजर हुआ है किसी बंदे से जिसको टीबी है। फर्स्ट करें उसकी सिस्टर को टीबी है और उस बंदे की वैक्सीनेशन हो चुकी है, अब उसकी सिस्टर को टीबी है एंड ही वेंट टू विजिट हर। तो आपको पता है कि टीबी की ट्रांसमिशन कैसे होगी, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो अब उसको लग रहा है कि मुझे भी टीबी हो गई है, ठीक है, अब उसने एक बीसीजी वैक्सीनेशन पहले कराई हुई है, तो जब आप उसको पीपीडी करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है, पॉजिटिव ही आना है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन पहले हो चुकी है। लेकिन ये क्या होगा, आप पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि ये ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है, दोनों हो सकते हैं ना। तो फिर आप करते हो क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट। क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट मेजर करता है इंटरफेरॉन गामा को, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है, अगर ये नेगेटिव है तो इन्फेक्शन नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होता, USA वगैरह में होता है। और उसके अलावा आप PCR भी कर सकते हैं, लेकिन PCR की इसमें इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस हमारे पास क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट की, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये याद रखिएगा, मैंने MCQ दे देना आप लोगों को, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट, और हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट है वो है स्प्यूटम का एसिड फास्टिंग टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, या कुछ सवाल भी आ सकता है कि आप डायग्नोस्टिक ये वाला बेटे स्प्यूटम प्रोडक्शन से ही करते हैं, ये क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट नहीं, नहीं ये ब्लड टेस्ट। इंटरफेरॉन गामा आपके स्प्यूटम में तो नहीं ना होगा, आपको ब्लड में होगा। इंटरफेरॉन गामा कहाँ से आ रहा था, जब CD4 पॉजिटिव हेल्थ पर टी सेल बना रहे थे TH1 सब टाइप, और उससे प्रोड्यूस हो रहा था IL-2, 12 और इंटरफेरॉन गामा, तो वो ब्लड से होगा, स्प्यूटम से आप सिर्फ ये करते हो। और साथ में आप विकेटा को कल्चर कर सकते हैं लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम में। बात करते हैं अब हम ट्रीटमेंट की, आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे। बेटा इसमें आपको मैं जितनी भी ड्रग्स बताऊंगा आपने वो हर हाल में याद करनी है, इस तरह का बहाना मैं कोई नहीं सुनूंगा कि सर ड्रग्स के नाम मुश्किल है नहीं याद है, ठीक है ना, इस तरह के फजूल ने सिलसिले लाने के। कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, आइसोनियाज़िड है, रिफेम्पिन है, एथैम्ब्यूटोल और पायराज़िनामाइड, ये हमारे पास 4 ड्रग्स हैं जिसको जो हम टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पायराज़िनामाइड PYRA, PYRAZINAMIDE, ये 4 ड्रग्स हैं जो हम टीबी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप पहले 4 महीने में ना ये 4 ड्रग्स देते हो, जो टीबी का कोर्स होता है ना वो मिनिमम होता है 9 महीने का, आपने 9 महीने तक पेशेंट को कंटिन्यूसली ड्रग्स देनी है। पहले 4 महीने आप इन 4 का कॉम्बिनेशन देते हो और फिर आप आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिन का जाते हो, ठीक है। पहले आप इन 4 का कॉम्बिनेशन देना है, फिर आपने आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिन का जाना है, पहले 4 महीने और फिर नेक्स्ट 5 महीने। इसका मिनिमम कोर्स होता है टीबी का वो 9 मंथ्स का होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये ड्रग्स हमारे पास फर्स्ट करें इथैम्ब्यूटोल पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ड्रग्स हमारे पास यही है, अगर आपसे कभी ये पूछो टीबी का ट्रीटमेंट क्या है आप मुझे यही बतानी है। अगर आप सीखोगे मैं टीबी का मुझे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट बताएं तो फिर आपने मुझे बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और क्या पूछा उन्होंने ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये आप देखते हो उस केस में जब ये काम ना करें, टीबी का कोई भी मरीज हो, आपने हमेशा ये ड्रग्स लेने हैं। अगर इनमें से कोई काम ना करे या किसी के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थायमिथ्रोटल पायरेटिनामाइड, जे कैन हैव अ सीरियस साइड इफेक्ट प्रोफाइल, तो अगर इनके सीरियस साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो फिर आपने इधर आना है। वैसे हमेशा आपने चेक ही देनी है हमेशा, ठीक है? इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है किसी को भी। लाइक जिस तरह के होता है ना कि आप कुछ हार्ट कंडीशन है, जो यूके की सोसाइटी है वो डिफरेंट कह रही है, जो यूएस की सोसाइटी है वो डिफरेंट कह रही है, इस पर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और आपको मुझे यही बताने हैं, लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ कि बच्चे मुझे बस ये बता के ना निकली जा रही है, मैंने सबको फिर फेल ही किया। क्या? हाँ हाँ, अब हम साइड से पढ़ लेते हैं, ठीक है? मेरा प्लान था कि आज हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे भी कवर कर लें, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गया, थोड़ा इस पर टाइम लग गया, तो हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। बेटा आप सबको समझ आई ऑनलाइन? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं, स्लाइडों से पढ़ लेते हैं। स्लाइडें नजर आ रही सबको? So the mycobacterium include two species that almost everyone has heard of. One is mycobacterium tuberculosis, which causes TB, and the other one is mycobacterium leprae, which causes leprosy. ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्टेन होते हैं लिपिड लेडन सेल वॉल, एंड द हाई लिपिड कंटेंट मेक देम एसिड फास्ट ऑन स्टेनिंग। हाई लिपिड कंटेंट की वजह से इनमें एसिड फास्ट स्टेन होता है। हमारे पास सिर्फ एसिड फास्ट की दो जोनराज हैं, एक है माइक्रोबैक्टीरियम और दूसरी है नोकार्डिया। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, उसके फीचर्स की बात करें, तो इसकी एसिड फास्ट सॉल्ड, हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब है, एंड इट ग्रोज वेरी स्लोली, कैन टेक अप टू 6 वीक्स फॉर अ विजिबल ग्रोथ। जैसे आपको मैंने बताया था कि लोवेंस्टीन जेंसेन मीडियम का वैसे कल्चर तो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत स्लो है। तो आप जो प्रेफर करते हो टेस्ट, सबसे पहले कौन सा है? स्ट्रेटम का एसिड फास्ट स्टेन, और फिर दूसरा कौन सा है? पीपीडी, ठीक है? टेस्ट एक्चुअली आपने करवाना ही करवाना है हार्ट पेशेंट में, लेकिन वो इतने स्पेसिफिकली होते हैं टीबी के लिए। यूरिन एक्सक्रीशन की बात करें, तो हमारे पास माइकोलिक एसिड है सबसे पहले। माइकोलिक एसिड इज अ लार्ज फैटी एसिड, और जब माइकोलिक एसिड को आप कंबाइन करेंगे किसी शुगर के साथ, तो वो हमारे पास बन जाएंगे माइकोसाइड। माइकोसाइड के आगे फिर जो हमारे पास कोर फैक्टर हैं, सल्फाटाइड हैं, सारे के सारे माइकोसाइड्स हैं। सो कोर फैक्टर क्या है? कोर फैक्टर इज अ माइकोसाइड फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ टू माइकोलिक एसिड विद अ डाइसैकेराइड। दो माइकोलिक एसिड के मॉलिक्यूल और एक डाइसैकेराइड से बनता है कोर फैक्टर। कोर फैक्टर का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन को इनहिबिट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा, और टीएनएफ अल्फा की प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा। टीएनएफ अल्फा की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास रैपिड वेट लॉस होगा। सल्फाटाइड्स की बात करें, तो वो भी हमारे पास माइकोसाइड्स हैं। वो कैसे बनते हैं? वो हमारे पास उसमें माइकोलिक एसिड होगा, डाइसैकेराइड होगा, और सल्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वो उनका फंक्शन क्या है? वो फेगोसोम और लाइसोसोम की फ्यूजन को इनहिबिट करेंगे, और बैक्टीरिया के इंट्रासेलुलर सर्वाइवल को फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद जो बैग्स भी है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोसाइट है, वो भी एक माइक्रोसाइट ही, ठीक है? लेकिन इट एक्ट एज एन एडजुवेंट एनहांस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन टू द एंटीजन, और मे बी द पार्ट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट एक्टिवेट्स द प्रोटेक्टिव सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? लेकिन इसके बारे में इतना क्लियर नहीं है सब बेसिक फंक्शन क्या है। पैथोजेनेसिस की बात करें, तो हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरीली इफेक्ट लंग्स, बट कैन आल्सो कॉज डिजीज इन एनी अदर टिश्यू, जैसे कि हमने बात की रिएक्टिवेशन डिजीज में। द वे इट स्प्रेड एंड डैमेज द बॉडी डिपेंड्स ऑन द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड द ऑर्गेनिज्म एंड द इम्यून सिस्टम इंटरैक्ट एज़ फॉलोस। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट एक्सपोजर में ऑर्गेनिज्म लंग्स में एंटर होगा, द होस्ट हैज नो स्पेसिफिक इम्यूनिटी। The inhaled bacteria cause a local infiltration of neutrophils and macrophages. हमारे पास local infiltration होगी neutrophils की और macrophages की। Macrophages bacteria का antigen लेंगे, जाएंगे lymph node में, वहाँ पर जाकर वो antigen present करेंगे via MHC class 2 to CD4 positive helper T cell. CD4 positive helper T cell activate होंगे, convert होंगे Th1 subset में, and then the story goes on, जैसे कि हमने बात की थी। So the inhaled bacteria cause local infiltration of neutrophils and macrophages. Due to the various virulence factors, the phagocytosed bacteria are not destroyed. जैसे कि हमने बात की थी कोर फैक्टर की और सल्फाटाइड्स की। सल्फाटाइड्स हमारे पास फेगोसोम और लाइसोसोम के फ्यूजन को इनहिबिट कर रहे हैं। They multiply and survive in macrophages. The bacteria cruise through lymphatics and blood to set up camp in distant sites. The period of facultative intracellular existence is usually short-lived because the host rapidly acquires its prime defense against the acid-fast organisms, that is cell-mediated immunity. इसका मतलब क्या है?
बेटा आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ी होगी, दो तरह की होती है, होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट में सेल्स कौन से होते हैं? एक्यूट जो जो हमारे तो होती है ना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो हमेशा नॉन स्पेसिफिक होती है, उसमें हमेशा पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स और बाद में आते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है? और फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस डिसाइड करते हैं कि क्रॉनिक इम्यूनिटी किस तरह की होगी, ठीक है? वो फिर आगे डिफरेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं। टीबी में क्या होता है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, जब बैक्टीरिया इनिशियली आता है लंग्स के अंदर, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आ जाएंगे टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को करेंगे इनगल्फ, लेकिन वो उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा कि हमारे पास मैक्रोफेजेस उसी बैक्टीरिया के एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे वाया एमएससी क्लास 2 CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं और TH1 सबसेट में कन्वर्ट होते हैं, फिर वहां से शुरू होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सम ऑफ द मैक्रोफेजेस सक्सीड इन फेगोसाइटोसिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द इनवेडिंग बैक्टीरिया। दीज मैक्रोफेजेस देन रन टुवर्ड्स अ लोकल लिम्फ नोड दैट इज मीडियास्टाइनल और हाइलर लिम्फ नोड and present the bars of the bacteria to CD4 positive helper T cells. The sensitized T cells then multiply, enter the circulation in search of mycobacterial tuberculosis. When the T cell encountered their antigenic target, they release lymphokines that serve to attract macrophages and activate them when arrived. These activated macrophages can now destroy bacteria. लेकिन वो completely destroy नहीं करते, वो granuloma बना के infection को wall off करते हैं। मेरे यहाँ तक किसी को कोई confusion या कोई question? आप लोगों सबको समझ आ गई है आपको? इट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट मैक्रोफेज अटैक यूजुअली रिजल्ट इन लोकल डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू। द नेक्रोस टिश्यू लुक्स लाइक अ ग्रैनुलर क्रीमी चीज एंड इज कॉल्ड केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस हमारे पास ग्रैनुलोमा के मिडल में होगा। दिस सॉफ्ट केसियस सेंटर इज सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन डिपॉजिट्स एंड इज फ्रीक्वेंटली कैल्सिफाइड। जैसे आपको मैंने बताया था कि मैक्रोफेजेस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होंगे, कोलेजन डिपॉजिट्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, इनसे बनेगा ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा के मिडल में हमारे पास केसियस नेक्रोसिस होगा और उसमें वायबल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ग्रैनुलोमा का फंक्शन ये है कि उसमें बैक्टीरिया को किल करना है, ग्रैनुलोमा का फंक्शन ये है कि उसने वॉल ऑफ करना है इन्फेक्शन को। At some point in future, perhaps due to depression in host resistance, the bacteria may grow again. हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं? हमारे पास जो प्राइमरी टीबी के सिम्टम्स हैं वो तो वही सिंपल हैं, फीवर है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है, काफी स्प्यूटम है और काफी सिनॉप्सिस है। डीएक्टिवेशनल टीबी आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। उसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि ब्रेन, मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रल कॉलम, जीआई ट्रैक, किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। स्पेशली जो वर्टेब्रल कॉलम को टीबी ज्यादा अफेक्ट करती है उसे कहते हैं पार्श डिजीज, उसका हमने अलग से नाम लिखा हुआ है। तो पीपीडी स्किन टेस्ट क्या है? पीपीडी स्किन टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉलोइंग द इंडक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल डिपेंडेंट होते हैं। अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एनी एडिशनल एक्सपोजर टू दिस ऑर्गेनिज्म विल रिजल्ट इन अ डिलेड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है? इंट्राडर्मल हम इंजेक्शन देते हैं एंटीजन ऑफ द एंटीजेनिक प्रोटीन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ किल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फॉर पीपीडी purified protein derivative that will result in a localized swelling and redness. Therefore, the intradermal injection of PPD will reveal whether or not a person has been infected with mycobacterium tuberculosis. यहाँ तक सबको clear है बच्चों? तो PPD test है क्या? हाँ, यह basically delayed type 4 hypersensitivity injection है। क्यों perform करते हैं? TB के लिए screen करने के लिए। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? ट्रू पॉजिटिव है तो प्राइमरी टीबी है, सेकेंडरी टीबी है, सिम्टोमेटिक है, लेटेंट है, एक्टिव टीबी है। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है? पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमारे पास हमने मिटा दिया है कि बीसीजी की वैक्सीनेशन नहीं है। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? एनर्जी की स्टेट है, इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो हमारे पास 15 मिलीमीटर ज्यादा है वो हम यूज करते हैं जनरल पब्लिक में, लेकिन जो 10 मिलीमीटर ज्यादा है वो हम यूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी वाला, जो एल्डरली लोग होते हैं ना उनमें हम यूज करते हैं 10 मिलीमीटर का कट ऑफ पॉइंट। अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा हमारे पास स्टेटस से स्वेलिंग आ जाए तो वो देखते हैं ज्यादा फॉलोइंग।
और 5 इनहिबिटर जिसमें क्या वो पेशेंट जो के प्रूवन एचआईवी पेशेंट है, उसमें एचआईवी पॉजिटिव है, अगर आपने उसमें टीबी के लिए पीपीडी इंजेक्ट किया है और उसमें 5 मिलीमीटर से ज्यादा इंडिकेशन आ गई तो दैट विल बी अ पॉजिटिव टेस्ट। तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट हम यूज करते हैं हमारे इवेंट्स जो के इंडिकेट करते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं। आपको बस आप ये 3 याद रखने के 15 है वो किसमें यूज करते हैं जनरल पब्लिक में जैसे हम सब हैं, 10 किसमें यूज करते हैं जो कि एल्डरली हैं, और 5 किसमें यूज करते हैं जो कि प्रूवन एचआईवी पेशेंट है। आपको ये तीन बतानी चाहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बात कर चुके हैं जो प्राइमरी टीबी में क्या होगा सेकेंडरी टीबी में क्या होगा। द फर्स्ट एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड प्राइमरी टीबी, यूजुअली सबक्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, ऑकेजनली हमारे पास सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकती है। व्हेन एन एसिम्प्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स द रिक्वायर्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी विल वॉल ऑफ एंड सप्रेस द बैक्टीरिया, दिस डिफेक्टेड बैक्टीरिया लाई डोरमेंट बट कैन लेटर राइज अप एंड कॉज डिजीज, मतलब वो उनकी डेथ नहीं होती वो वायरल होते हैं। दिस सेकेंड इन्फेक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी टीबी और एक्टिवेशनल टीबी। प्राइमरी टीबी हमारे पास मोस्टली 90% केसेज में एसिम्प्टोमेटिक होगी, लेकिन अगर बच्चों को हो रही है एल्डरली में हो रही है या इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें प्राइमरी टीबी भी सिम्प्टोमेटिक और सीरियस हो सकती है। एसिम्प्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है दैट टेक्स इन, मतलब कि सीडी 4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होते हैं एंड द फेगोबैक्टीरिया बिकम वॉल्ड ऑफ इन द केसियस ग्रैनुलोमा, दीज ग्रैनुलोमा देन हील विद फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन एंड स्कार फॉर्मेशन। The organisms in these lesions are decreased in number, but they remain viable. Tiny tubercles, as the granulomas are called, are often too small to be seen on chest X-ray. Asymptomatic primary TB में अक्सर आपको gown focus chest X-ray में भी नजर नहीं आता। ठीक है, जिस तरह से मैं discuss किया था कि आपको chest X-ray में gown focus lengthy complex मिल सकते हैं, लेकिन primary TB में कुछ cases में वो भी आपको नहीं मिलता। What is gown complex? A calcified tubercle in the middle. Tubercle क्या है बेटा? ट्यूबरकल क्या है? ग्रैनुलोमा है, जैसे कि हमें यहाँ बात की द ट्यूबरकल टाइनी ट्यूबरकल एज द ग्रैनुलोमास आर कॉल्ड। तो जो हमारे पास कैल्सिफाइड ट्यूबरकल है मिडिल या फिर लोअर लोब उसे कहते हैं गोन फोकस, और गोन फोकस फ्रॉम द गोन फोकस प्लस कैल्सिफाइड लिम्फ नोड इज कॉल्ड रैंकी कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी टीबी सिम्प्टोमेटिक कब होगी? वो हमारे पास बच्चों में होगी, बूढ़ों में होगी, और उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। These groups do not have as powerful as self-mediated immunity as do healthy adults, so the organisms are not stressed. अब हमारे पास कौन-कौन से organ system effect हो सकते हैं? Uncontrolled primary TB में या फिर reactivational TB में, उसमें lungs हैं, heart है, lymph node है, kidney है, skeleton है जिसमें mostly vertebral column की disease कहते हैं Pott's disease, और उसके बाद joints हैं, CNS में हमारे पास brain भी आ जाता है मेनिंजिस हो जाती हैं। अगर ब्रेन की इन्फेक्शन आ जाए तो टीबी इंसेफलाइटिस, और अगर मेनिंजिस का जाए तो टीबी मेनिंजाइटिस, और इसके अलावा मेजर टीबी, मेजर टीबी में आप कह रहे हैं कि पूरी बॉडी में ना मल्टीपल फोकाए होते हैं जो कि एट द सेम टाइम एक्टिव होते हैं। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? पीपीडी स्किन टेस्ट से करेंगे, चेस्ट एक्सरे से करेंगे, स्प्यूटम के एसिड फास्ट स्टेन से करेंगे, और कल्चर किस पे करेंगे? एलजीएम मीडियम पे। और जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? आइसोनियासिन, रिफैम्पिन, एथैम्बुट्रोल, पायरेसिनामाइड, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और किडोलोन, ये हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ऊपर वाली 4 बता दें आपको मैं पूरे नंबर दूंगा, आप नीचे वाली 3 बताएंगे आपको मैं मोस्ट लाइकली 0 नंबर ही दूंगा, क्योंकि नीचे वाली 3 की ये मैंने पूछना है, सबसे पूछता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा अभी मैंने आपको कितना एम्फसाइज किया कि फर्स्ट टाइम ड्रग कौन सी है, सेकंड टाइम ड्रग कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी खानी है। अब आपको मैंने हर चीज कौन सी उतनी ना कर दी। वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वो हम देते हैं टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, जो हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियल लेपर है वो हम कल डिस्कस करेंगे, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। बेटा क्लास खत्म हो गई है, अब
कहां से आपको पता पड़ जाता है आवाज आती है आवाज एक बहुत होती है बेटा सबको समझ आएगी यस सर यस सर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन नो सर चलो ठीक है बेटा क्लास एंड करते हैं फिर अल्लाह हाफिज़